अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जिंदा दिल न्यूज़ और मैं हूं राशिद सईद राणा। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जो कि रिपोर्ट की है हमारे ब्यूरो चीफ मीरपुर खास शाहिद मेमन ने। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ योम सियाह के तौर पर मनाने और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ज़िला इंतजामिया मीरपुर खास की जानब से कमिश्नर कम्प्लेक्स से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। योम सियाह कश्मीर के मौके पर ज़िलाई इंतजामिया मीरपुर खास की जानब से निकाली जाने वाली रैली में कमिश्नर अब्दुल वहीद शेख, DIG जुल्फकार लाड़क, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा तालीम समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, तुलबा व तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर अब्दुल वहीद शेख और DIG जुल्फकार लाड़क ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी है, जो नाकाबले बर्दाश्त है और इनको जुल्म का जवाब जल्द मिलेगा। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। कश्मीर की आज़ादी के लिए वह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो गासबाना कब्जा किया है, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम अखलाकी और सियासी तौर पर कश्मीरियों के साथ हैं और हर फॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे। उम्मीद की जाती है कि बैन अल-अक़वामी इदारों का ज़मीर जागेगा और अक़वामी मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनका जायज़ हक़ ज़रूर मिलेगा। देखते रहें जिंदा दिल न्यूज़।